good morning student. today we will solve exercise 5.3 for chapter 5 operation on rational numbers so first question is divide 7 upon 15 by 4 by 3 second is minus 16 upon 35 by 6 by 7 third is minus 21 upon 55 by minus 35 upon 22 and fourth is minus 8 by 24 upon सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेवन अपॉन फिफ्टी बिकॉज हमें यहाँ डिवाइड करना है डिवाइड लगा दिया फोर अपॉन थ्री डिवाइड में एक रूल होता है कि हम यहाँ पे जो दो रेशल नंबर को डिवाइड ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम डिवाइड कर लें कोष्टक लगा के बट हम क्या कर सकते हैं हम इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं वो कैसे जब हम इसके नंबर को इंटरचेंज कर लें रैसे प्रोकल कर लें नीचे वाला नंबर ऊपर भेज दें ऊपर वाला नीचे तो ये क्या होगा इसमें फिर साइन मल्टी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो मैंने यहाँ क्या किया फोर बाई थ्री था तो मैंने इसको थ्री बाई फोर लिख दिया और साइन डिस्क लगा दिया मल्टीप्लाई देन अगर इसमें कुछ एलमिट हो रहा है तो एलमिट कर देंगे अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया सेवन थ्री ट्वेंटी वन फिफ्टीन फोर या सिक्सटी ये इसका आंसर हो जाएगा इसको हम अभी और सॉल्व कर सकते हैं थ्री के टेबल से थ्री सेवन या ट्वेंटी वन और थ्री टू जिक्स और ट्वेंटी सेवन बाई ट्वेंटी आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड क्वेश्चन इज माइनस का सिक्सटीन अपॉइंट थर्टी फाइव डिवाइड सिक्स अपॉइंट सेवन तो हम हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर को इंटरचेंज करते हैं रैसी प्रोकल करते हैं ठीक है तो माइनस का सिक्सटीन अपॉइंट थर्टी फाइव इट इज लिखा आ जाएगा लि, लिखेंगे उसे चेंज नहीं करेंगे हम ये करेंगे सेकेंड जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसको चेंज करेंगे तो देखिए सिक्स बाई सेवन को हमने लिखा सेवन बाई सिक्स और लगा दिया मल्टीप्लाई अब जो एलिमिनेट हो रहा है ऊपर से नीचे एलिमिनेट कर लेंगे सेवन वन जो सेवन ए के टेबल में आना चाहिए और सेवन वन जे सेवन हो जाएगा सेवन फाइव थर्टी फाइव और थ्री टू ए टू थ्री सिक्स टू और टू एट जी सिक्सटी इसके बाद कुछ चीजें कट नहीं रहा है तो एट वन से एट हो जाएगा और फाइव थ्री जो फिफ्टीन बिकॉज़ यहाँ एक ही माइनस है तो माइनस का एट अपॉन्ट फिफ्टीन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है माइनस का ट्वेंटी वन अपॉइंट फिफ्टी फाइव डिवाइड माइनस का थर्टी फाइव अपॉइंट ट्वेंटी टू अगेन क्या किया है? इस नंबर को ऐसे ही लिख दिया है मैंने रेशन नंबर को सेकेंड वाला जो रेशन नंबर है उसको मैंने रस्सी कर दिया ट्वेंटी टू अपॉइंट थर्टी फाइव करके मल्टीप्लाई लगा लिया यहाँ पे दो माइनस थे तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया ठीक है इसके बाद इलेवन के टेबल से काट दिया मैंने एलेवन टू या ट्वेंटी टू इलेवन फाइव फिफ्टी फाइव और सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन सेवन फाइव थर्टी फाइव तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव इसका लास्ट क्वेश्चन और फोर्थ माइनस का ये डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर अपॉइंट फाइव तो देखिए फिर से मैंने वही किया है इसका नंबर ऊपर रेसी प्रोकल कर लिया है फाइव पॉइंट ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई आ गया एट के ट्रबल से काटा एट वन जे एट एट थ्री जो ट्वेंटी फोर फाइव का मल्टीप्लाई वन में कर लिया बिकॉज यहाँ एक ही माइनस था उसको इसलिए हम माइनस को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे डेट्स फाइव फाइव का मल्टीप्लाई वन में किया फाइव वन जे फाइव और थ्री तो फाइव बाई थ्री आंसर सेकेंड क्वेश्चन है सिम्पलीफाइव क्या दिया है डिविजी हो रहा है इनके बीच में तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फोर अपॉइंट नाइन डिवाइड में माइनस का फाइव पॉइंट ट्वेल्व ठीक है तो हम क्या करेंगे ट्वेल्वाई फाइव लिखेंगे माइनस का ट्वेल्व बाई फाइव और मल्टीप्लाई लगा देंगे देन थ्री के टेबल से एलिमिनेट कर सकते हैं थ्री थ्री नाइन थ्री फोर ट्वेल्व और इसके बाद कुछ कट नहीं रहा तो तो है? है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में फोर फोर सिक्सटीन फाइव वन फाइव थ्री या फिफ्टीन तोल किसका आएगा माइनस बिकॉज एक ही माइनस है तो माइनस का सिक्सटीन अपॉइंट फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन है सेवेंटी टू थर्टी फाइव माइनस का डिवीजन में फोर्टी एट फोर्टी नाइन तो क्या किया है मैंने देखिए मल्टीप्लाई लगाया तो मैंने क्या किया है फोर्टी नाइन फोर्टी एट कर दिया है सेवन के टेबल से काटेंगे सेवन फाइव थर्टी फाइव सेवन सेवन से फोर्टी नाइन और इसको काट सकते हैं हम नाइन ट्वेल्व के टेबल से एट uh, के टेबल से काटेंगे पहले एट सिक्स जब फोर्टी एट एट नाइन सेवेंटी टू फिर मैंने टू के टेबल से काट दिया है थ्री के टेबल से थ्री टू जै सिक्स थ्री थ्री जो नाइन जो लास्ट में रह गया उसका मल्टीप्लाई कर लिया सेवन थ्री ट्वेंटी वन फाइव टू जे टेन ट्वेंटी वन अपॉन टेन आंसर थर्ड क्वेश्चन है ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टीन डिवाइड में थर्टीन अपॉन फाइव तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो ये हो गया फाइव पॉइंट थर्टीन, फाइव के टेबल से काटेंगे फाइव वन जे फाइव फाइव जी फिफ्टीन और थर्टीन वन जो थर्टीन थर्टीन जो ट्वेंटी सिक्स जो रह मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर टू वन रहेगा टू वन जो टू और थ्री वन जे थ्री तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ तो ये है माइनस का नाइन डिवाइड बाय माइनस का सेवन तो माइनस का सेवन को हम ऐसी पोकल कर लेंगे इसके नीचे क्या है कुछ नहीं है तो वन मान लेंगे तो ये हो जाएगा वन अप सेवन और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया नाइन वन जन नाइन सेवन वन सेवन ये नाइन अपॉइंट सेवन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी है टेकिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स डिवाइड में वाई मल्टीप्लाई जेड इक्वल नहीं है एक्स डिवाइड में वाई मल्टीप्लाई जेड पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये चेक करेंगे करके दिखाएंगे कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं बराबर नहीं है तो देखिए यहाँ पे हमें गिव क्या है एक्स की वैल्यू दी हुई है कुछ कुछ वाई की वैल्यू दी है कुछ जेड की वैल्यू दी है हमें ये प्रूव करना है ठीक है ये बराबर नहीं है इसके ये एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड का है और ये राइट हैंड साइड का है तो हम वन बाई वन एक एक चीज़ लेंगे तो टेकिंग एल एच एस पहले मैंने ये वाला टर्म ले लिया क्या था एक्स डिवाइड वाई वाई मल्टीप्लाई ऑफ जेड देखिए एक्स वाई इनकी हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है तो वो पुट कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी एट अपॉन्ट फिफ्टीन रख दिया डिवाइड है डिवाइड कर दिया फिर वाई रखा है यहाँ तो वाई की वैल्यू क्या टू बाई थ्री रख दी <coughs> फिर क्या है मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू क्या है फ़ोर बाई टेन रख दी इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसको डिवाइड में से या मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा तो इसको मैं एलिमिनेट कर लूँगी टू के टेबल से ये कट गया फोर टर्म्स और थ्री से कटा फाइव टर्म्स तो ये आ गया हमारा फोर अपॉइंट फाइव और यहाँ पे था फोर बाई टेन तो फो फो एस एसटी फाइव टेंगे फिफ्टीन अगेन ये थोड़ा सा और सॉल हो जाएगा इसको हम टू के टेबल से काटेंगे टू से एट बार टू से जाएगा ट्वेंटी फाइव तो एट अपॉइंट ट्वेंटी फाइव आया इसी तरह हम अब आर एच एस चेक करेंगे आर एच एस क्या था एक्स डिवाइड वाई मल्टीप्लाई जेड यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे एक्स की वैल्यू एट अपॉइन फिफ्टीन डिवाइड लगाए डिवाइड वाई की वैल्यू टू अपॉइॉइन्ट थ्री मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू फोर अपॉइंट टेन एलिमेट कर सकते हैं कुछ एलिनेट कर लेंगे टू वन जो टू टू फर्टी टाइम तो हमारा आंसर आएगा फोर वन जे फोर फाइव थ्री फिफ्टीन एट अपॉन फिफ्टीन और आएगा फोर अपॉन फिफ्टीन तो देखिए क्या करेंगे इसको फिर से हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन फोर फिफ्टीन से फिफ्टीन कट गया फोर से टू टर्म्स कट गया तो ये आर एच एस क्या आया टू एल एच एस हमारा आ रहा था एट अपॉन ट्वेंटी फाइव है ना एट अपॉन आई है ठीक है और आर एच एस आ रहा है टू तो ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है तो इक्वल नहीं है तो हैंड्स प्रूव हो गया लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फिल इन दी ब्लैंक्स फिल इन दी ब्लैंक्स में वन अपॉइन्ट फाइव का डिवाइड फोर अपॉइन्ट फाइव से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फाइव पॉइंट फोर ये सॉल्व करके देखना है आपको खुद से करके देखिएगा नाइन अपॉइन एट में किसका डिवाइड करें सिक्स अपॉइन्ट फाइव वजह फिफ्टीन अपॉइन्ट सिक्सटीन ला एंड थर्ड है डैश डिवाइड बाई थ्री एट बाई टेन मिले तो हम क्या करेंगे डिवाइड डिवाइडेड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो जो आंसर आएगा वही यहाँ आएगा तो ट्वेल्व बाई फाइव यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इतना वो अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा थैंक यू